चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी यमी सी आइसक्रीम रेसिपी। तो गर्मियाँ आ गई हैं, जाहिर है आइसक्रीम का मौसम जो है वो आ गया है। तो आज हम बना रहे हैं ओरियो आइसक्रीम, जिसकी रेसिपी बहुत ज़्यादा आसान है, सिर्फ 3 इन्ग्रीडियंट्स से हम ये बनाएंगे आइसक्रीम। अच्छा, तो इस रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो चलिए जल्दी चलते हैं किचन में। अच्छा जी, तो आज हम बना रहे हैं ओरियो आइसक्रीम, वो भी सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ। इंग्रेडिएंट्स आपको यहाँ दिख रहे होंगे, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। हमारे पास है यहाँ पर क्रीम, ओरियो बिस्किट्स एंड शुगर पाउडर। शुगर को हम लोगों ने पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो चले हम जल्दी से अपनी आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो हमने लेना है एक बाउल। बाउल को हम लोगों ने 2 से 3 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में रखा था, ताकि ये अच्छे तरीके से जो है वो ठंडा हो जाए, क्योंकि हमें क्रीम जो है इसके अंदर व्हिप करनी है, तो ये बाउल जो है वो ठंडा होना चाहिए। अच्छा जी, अब इसके बाद हम लोगों ने एक और बड़ा सा बाउल लेना है और उसमें डालनी है आइस क्यूब्स। ये देखिए, हमने आइस क्यूब्स जो है वो डाल दी हैं। अब जो डीफ्रीजर में हमने बाउल रखा था उसको इसके ऊपर रखना है और अपनी क्रीम जो है वो अब ऐड करनी है। अच्छा जी, ये देखिए, हमने अपने दोनों क्रीम के पैकेट जो है वो ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको व्हिप करेंगे अच्छी तरीके से। हमें इसको जो है वो मिक्स करते रहें 15 मिनट के लिए। हमको इसको अच्छी तरीके से ऐसे मिक्स करना है। अच्छा जी, ये देखिए, 15 मिनट बाद जो है वो क्रीम का टेक्सचर जो है वो थोड़ा फ्लफी सा हो गया है। तो अब हम इसमें जो शुगर ऐड करेंगे, अच्छा आप लोगों ने शुगर जो है वो थोड़ी थोड़ी करके ऐड करनी है और टेस्ट करते रहना है कि शुगर ज्यादा ना हो जाए। ओके, तो आराम आराम से पहले आप लोगों ने थोड़ी सी शुगर ऐड करनी है, फिर इसको बीट करना है। अच्छा जी, जो क्रीम हमने बीट करी है वो आइस के ऊपर ही रखी हुई है, जब तक हम जो है वो अपने बिस्किट जो है उसको क्रश कर लें। अच्छा जी, हमने अपने बिस्किट्स जो हैं उनको अनरैप कर दिया है, अब हम इसको क्रश करेंगे। पहले हम इसको ऐसे थोड़े थोड़े पीसेस में जो है वो खुद ही हाथ से तोड़ लेते हैं। अब हम इसको जो है ये जो होता है इससे पीसेंगे। अच्छा जी, ये देखिए, हमने इसके चंक्स जो है वो बना लिए हैं। इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं करना है बिस्किट को, तो हमने इस तरीके से इसको जो है वो क्रश कर लिया है। और बाकी हमने 4 बिस्किट जो है वो यहाँ साइड पर रख दिए हैं डिटेलिंग के लिए। अच्छा जी, थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। अब हम अपने जो ओरियो के हमने जो चंक्स बना लिए हैं वो ऐड करेंगे। बहुत ही यमी आइसक्रीम बनेगी ये, आप लोग बहुत ज़्यादा ही पसंद करेंगे इसको। जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके कर ले। अब हम इसको अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स करेंगे। अच्छा जी, तो अब हमें इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है 5 मिनट के लिए। अच्छा जी, तो हमें लेना है एक एयर टाइट बॉक्स, ठीक है, जिसका ऐसा कवर हो, ऐसा बॉक्स लेना है और अपनी जो आइसक्रीम है वो इसमें ऐड करनी है। अच्छा जी, ये देखिए, हमने अपने बॉक्स में जो है अपनी आइसक्रीम वो सेट कर दी है। अब हम इसके ऊपर ओरियो बिस्किट के चंक्स ऐड करेंगे। अच्छा जी, ये देखें कितनी ज्यादा मजेदार सी आइसक्रीम जो है वो रेडी हो गई है, बट प्रॉपरली रेडी अभी ये नहीं हुई है, क्योंकि हमें इसको डीप फ्रीजर में रखना है 5 से 6 घंटे तक। तो मैं इसको अभी कवर करके डीप फ्रीजर में रखने लगी हूँ, तो आपको 5 से 6 घंटे बाद मैं दोबारा मिलूंगी फाइनल रिजल्ट के साथ।
अच्छा जी ये देखें 5 से 6 घंटे हो चुके हैं और हमारी आइसक्रीम जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो फ्रीज हो गई है। अब मैं इसको निकालूंगी, स्कूप मुझे मिल नहीं रहा है तो मैं स्पून से ही निकालूंगी। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।